अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। लिव विद प्ले में आपकी होस्ट स्वरा, जो आपको बहुत ही प्यारी है, वो हाजिर है। जी जरा, मैं रोजाना ही आती हूँ तो आपके दिल के करीब हूँ। तो आपको लगता है ना कि मैं आपके घर में रहती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सब मेरे किचन में आ गए हैं। रमजान मुबारक का महीना जोर शोर से हम इंजॉय कर रहे हैं, सहर इफ्तार का इत्तेमाम हो रहा है और आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। खुशी तो है सहर और इफ्तार की, और उसके साथ साथ थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि ये जो दिन है तेजी से गुजरते जा रहे हैं और रमजान जो है तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रमजान खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, जो कि इतने हम मजे मजे की इफ्तारी बनाते हैं, सहरी बनाते हैं और जाग रहे होते हैं। बच्चे भी सहरी तक जाग रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला सा मचा होता है घर पे और सब इकट्ठे बैठते हैं, फिर इफ्तार के बाद चाय पी रहे होते हैं। वो मजे कब आएंगे फिर तो। रमजान के बाद तो क्या होता है, एक एक आपके घर का कोई फर्द आया, उसे चाय पी ली, दूसरा आया उसने पी ली, फिर वो मिलके बैठने का मौका कम मिलता है। लेकिन क्योंकि जो हालात आजकल के चल रहे हैं, हम घर के अंदर ही हैं और घर के अंदर रहना ही समझदारी है। तो अपनी कुकिंग का भी मैं स्टार्ट लूंगी, कुकिंग करूंगी। कौन सी कुकिंग करूंगी, क्या बनाऊंगी, आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि मैं बहुत मजे मजे के खाने बनाती हूँ जो आप चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि हमें ये बाहर से कैसे मंगवाएं, कैसे खाना खाने जाएं, तो आपकी मैंने जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉल्व कर दी है, क्योंकि वही सारे खाने मैं बनाती हूँ यहाँ पे हमारे किचन में आपके लिए। खाने तो बनेंगे ही, साथ में मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी गेस्ट है, बहुत अच्छी इंसान है। आप उनसे मिलेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार आपने इनको बुला के बहुत ही अच्छा किया, हम तो मिलना चाहते थे। क्या खाना बनाने वाली हूँ मैं आज? बनाने वाली हूँ ड्रमस्टिक, जो आप बाहर जाके खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने किचन में बनाऊंगी। खाना बनाने से पहले क्या करना चाहिए, सारे घर के काम करने से पहले, काम करने के बाद क्या करना चाहिए, सफाई और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ सफाई जहाँ सेहत वहां पर डिटॉल, डिटॉल से मैं अपने हाथों को वॉश करूंगी, हैंड वॉश से मैं इसको वॉश करूंगी, हैंड सैनिटाइजर से, और मैंने इसको लिक्विड सोप से, और मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करूंगी। 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खवातीन अपने घर का ख्याल रखते हैं और जरूरी है कि अपना भी ख्याल रखें। जब हम अपने ख्याल रखेंगे तो हम अपने घर का ख्याल रखेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, बड़े लोगों का ख्याल रखेंगे और अपने घर को सारी वबा से दूर रखेंगे। तो अब मैं अपने किचन को भी मैं स्प्रे करूंगी डिटॉल का, ताकि मेरा किचन साफ सुथरा हो जाए, इसमें जितने भी जरासीम है वो सबके सब खत्म हो जाए, और अपने घर को और अपने किचन को सैनिटाइज करने के लिए डिटॉल जो है एक अहम रोल अदा करता है। तो आप भी डिटॉल का स्प्रे करें, पानी ले डिटॉल ऐड करें और स्प्रे बॉटल बना के रखें और आप स्प्रे करें। साथ साथ आपने इसको टिश्यू पेपर की मदद से या साफ टॉवल की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको साफ करना है। जब आप टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉवल का इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है कि टॉवल को दोबारा से वॉश करके आप धूप लगा लें, सुखा लें। और डिटॉल की टीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारे सेट को साफ सुथरा रखा हुआ है, जरासीम से पाक रखा हुआ है। और हर चीज पर जब हम ब्रेक पर जा रहे होते हैं तो स्प्रे हो रहा होता है, हर चीज को सफाई का ख्याल रखा जाता है। तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना साफ सुथरा हमें माहौल दिया गया है। खाना तो हम मजे मजे का बनाएंगे, इसके साथ मेरे साथ बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं, जिन्हें आप टेलीविजन पे देखते हैं, आपने ड्रामे में देखा, आपने बहुत पसंद किया है, मॉडलिंग भी करती हैं वो, और क्या क्या करती हैं उनसे पूछते हैं। और अभी अभी इन्होंने शोबिज में इन्होंने कदम रखा है, तो उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पर अनम गौहर, मैं इनको दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। बस ये आखिरी रोजे चल रहे हैं, लास्ट अशरा है, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है और अफसोस भी हो रहा है साथ साथ कि आपको पता है रमजान शरीफ जब भी आते हैं एकदम से चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन बड़ा माशाल्लाह फजीलत और फजीलत वाला है, क्योंकि हम एंजॉय इतना कर रहे होते हैं, फेस्टिव मंथ है, सब लोग एक साथ उठना बैठना, वक्त देना एक दूसरे को, और सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह पाक की खुशी, और उसमें आप जो भी नेकी करें उसको बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, तो मतलब बढ़ चढ़ के उसमें नेकी करें, बिल्कुल, और ज्यादा करने में अच्छा लगता है, उसको मिस करेंगे। और बहुत ही अल्लाह ताला हमें आने वाले सालों में रमजान मुबारक का महीना आज नसीब करे, हमारी दुआ होती है कि अल्लाह ताला नसीब करे, हम रोजे रखते रहें। और बताएं कि लॉकडाउन चल रहा है, अब तो लोग थोड़े बहुत बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इनको नहीं निकलना चाहिए, एहतियात के साथ निकलना चाहिए। वैसे तो आप घर में बैठ के वैसे शूट भी करती हैं, ड्रामे भी करती हैं, तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है आप?
लॉकडाउन है अभी, थोड़े से हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आजकल थोड़ा सा वर्क प्रोसेस भी स्लो है, आपको पता है, और इस वक्त इतनी जो है ये कोरोना वायरस की जो वबा फैल हुई है, आई थिंक काम से अगर हम खुद को और बाकी लोगों की हिफाजत के लिए हम थोड़ा सा घर पे रहें, काम को कम, अच्छी बात है, तो क्योंकि हमें अपने साथ दुनिया को भी देखना है, अपने अपने घर वालों को सबसे पहले, अपने इर्द गिर्द वालों को सबसे पहले देखना है। अच्छा, आपने प्ले टीवी का एक ड्रामा मेरी शादी करवाओ उसमें काम किया, कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, मेरी जो टीम, मेरा जो होम प्रोडक्शन है वो सब बहुत अच्छे है। मेरा, मैं आपको बताती चलूं, मेरा पहला ड्रामा है इनके साथ। अच्छा जी, अमसा कामरान के साथ, जो बहुत बड़ी बात है कि किसी नए आर्टिस्ट को ट्रस्ट करके ले लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत प्रिविलेज, बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ कि मुझे अमसा मैम ने मौका दिया और उन्होंने मुझे सामने स्क्रीन पे आने का चांस दिया, और मुझे खुशी है कि मैं उनकी, उन्होंने जो मुझ में एफर्ट्स की, मैंने उसको सच में, उन्होंने मतलब एक एक तरह का एक एतबार होता है, एतबार होता है, कि आप किसी में अपना फेथ रखते हो और आप उसके उस एफर्ट्स को सच साबित करते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग बिल्कुल मौका नहीं देते, बिल्कुल नहीं, वो तो आपको कोशिश कर रहे थे धक्का कहीं से दे दो, साइड से दे दो, वो गिर जाए, कोई रिस्क नहीं लेता है बेसिकली, काटते ना, कोई किसी ने काटा है आपको, आपको फील हुआ है कि मुझे इसने काटा? टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना वक्त नहीं हुआ, मतलब तकरीबन, अरे सच्ची बात बताओ, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, बता दो, कुछ नहीं होता, नहीं नहीं, नाम नहीं लो, बस बोल दो कि हाँ काटा, मुझसे ये सवाल करोगी ना तो मैं तुम्हें जवाब की, मेरे पास लंबी लाइन है, मैं आपको बता रही हूँ काटा होगा लेकिन मुझ तक ये बात नहीं पहुंची, अरे पीछे काटने की, अरे बड़े हमारे कान, बड़े हमारे बड़े गहरे होते हैं, सब आवाजें चली जाती हैं, बताओ बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, मेरा जो तरीका कार है, मैं सेट पे आती हूँ, काम करती हूँ, चिचुड़ दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आपकी तो हाइट इतनी बड़ी है, लोग बोलेंगे कहाँ देखे इसके ऊपर, नहीं नहीं, मैं अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, मैं कैसे दिखाती, ये तो बहुत प्यारी मोहब्बत वाली बात कर दी जी। अच्छा, मॉडलिंग जो करती हूँ हाइट की वजह से करती हूँ, उतरा के मैं इतनी लंबी हूँ, मैं मॉडलिंग करूँ या फिर शौक था? नहीं नहीं, शौक था बेसिकली, सच्ची बताओ, सच्ची बचपन में इतराती थी कजन्स के सामने, मैं बहुत लंबी में मढ़ा ना, लेट बी ऑनेस्ट, बचपन में किए, लेकिन जब से मैंने होश संभाले, मैंने अपने अंदर ये चीज बिल्कुल भी नोटिस नहीं की, मैंने कभी इतराई हूँ या कोई नखरा किया, बेसिकली मैं बहुत, अरे नजाकत तो लड़कियों का एक है ना, हक है, गहना है, हक है भाई, हम नजाकत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बिल्कुल, तो बना ही औरत के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, नखरा जो है धड़ल्ले से बोल रहा, मैं करती हूँ, क्या एक लाइन कहते हैं कि अगर खूबसूरती हो तो नखरा, अरे वाह, खूबसूरत हर औरत है, बस आप बिल्कुल शीशा है ना, वो आपको यकीन दिला दे कि तुम खूबसूरत हो, और मेरे ख्याल से दुनिया में वो शीशा कभी, वो जो आईना होता है वो बना ही नहीं जो किसी को बोले तुम खूबसूरत नहीं हो, मेरे सामने तो इस वक्त आप खूबसूरत, ओह माय गॉड, मैं तो हर हो ही हूँ, मैंने कभी इंकार किया, बिल्कुल आपकी, आपका रिफ्लेक्शन है कि आप, मैं इतनी खूबसूरत, आप बहुत प्यारी, मॉडलिंग में ज्यादा मजा आता है या एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है? आई थिंक दोनों का अलग एक्सपीरियंस, देखिए तुम्हें ये नहीं लगता मॉडलिंग में मुंह चढ़ाना पड़ता है? हाँ ये है ना, लेकिन एक्टिंग में भी ऐसा ही है ना, आप नेचुरल नहीं हो सकते, एक्टिंग भी अननेचुरल चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज की पॉइंट बताती हूँ मॉडलिंग एंड एक्टिंग का, मॉडलिंग में ये चीज है कि आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से खेल रहे होते, और एक्टिंग में ये होता है कि करके दिखाओ थोड़ा सा, आपको बोलना दिखाओ, ऐसी ऐसी लटके झटके, ये हम इसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, बट एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज भी है, आपको बोलना भी है, एक्सप्रेशंस हैं, तो एक्टिंग थोड़ा ज्यादा टफ है, मॉडलिंग थोड़ा इजी लगता है, सही इजी लगता है। अच्छा, घर से आप ही है शोबिज में है या कोई और भी है घर से? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे घर में से सिर्फ मैं ही हूँ जो स्क्रीन में आई हूँ, और भाई मेरा इंजीनियर है, एंड सिस्टर उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, लड़ाइयाँ होती है, मतलब वो इतनी छोटी है उसको लड़ाई का नाम भी नहीं पता होगा। अच्छा, वो बहुत छोटी है, अच्छा, तो बड़ा प्यार करती होंगी आप उनसे? प्यार हाँ है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली क्या, वो बहुत लड़ाका है, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है, वो उसको कोई पसंद नहीं है ना। अच्छा क्यों? इकलौता यू नो, चीजें उस तक चली जाएंगी, जो भी आएगा उसको मिलेगा, तो हर चीज सिर्फ मेरा हक हो, मैं लाडली हूँ, मैं इकलौती हूँ, वो वाली छोटी है ना, छोटी है, मैं छोटी एक ही हूँ घर में, बाकी तो सब, पर आपको तो बोलते हो तो बहुत बड़ी है। हाँ एग्जैक्टली, हमारे खानदान में सभी लंबे हैं। अच्छा, सभी अम्मी अबू सभी हैं? अम्मी अबू, तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अच्छा, डायरेक्टर से डांट पड़ती है? हाँ पड़ती है। रोती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज को मोटिवेशन की तरह लेती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जब तक आपके जो डायरेक्टर हैं आपको या आपके हैं आपको डांटेंगे नहीं, गलती कर रहे हैं तो रोकेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है, आई थिंक ये सबसे ज्यादा आपको बेस्ट ये टीच कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनको क्योंकि पता होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझती हूँ आपके फ्यूचर के लिए आपको बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली, उनको पता होता है किसी भी डायरेक्टर को ये सारी जिंदगी तो मेरे साथ काम नहीं करेगी ना, वो चाहे उनकी बला से कि आप जैसा भी काम करें, लेकिन लोगों को ये समझनी चाहिए ये बात,
और लोग बुराइयां करते ना वो मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं मैं बताऊं इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखें ना, क्योंकि ये आपको लेना ही पड़ेगा पॉजिटिवली। एग्जैक्टली, क्योंकि आप इसको पर्सनली ले ही नहीं सकते, क्योंकि जरूरत ही नहीं आपको प्रोफेशन में आप चीजों को ना ही लाए तो बेहतर है। ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। अनम किचन से कितना ताल्लुक है, रिश्तेदारी कितनी है? 50-50 है बेसिकली, थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल। पड़ोसियों वाला ताल्लुक है? पड़ोसियों नहीं, नहीं, कभी कभार जाते हैं। फिर नहीं, वो ताल्लुक है जो मुझे तीन वक्त किचन का मुंह देखना पड़ता है, सुबह दोपहर और शाम। खाना बनाती हो? कोशिश करती हूँ, स्पेशली आज के लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि, तो यूट्यूब मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। मैंने कुछ रेसिपीज निकाली है और मैंने ट्राई किया है। सही बना? शुरू में थोड़ा सा सबसे पहले क्या खाना बनाया था? सबसे पहला बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, लॉकडाउन से भी पहले की बात है। एक दफा मेरी मामा की तबीयत काफी, उनकी मेरी वालदा साहब की खराब थी, तो और उनको थोड़ा सा मसला भी है बीपी का, तो वो कहती कि जी मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, तो मुझे मजबूरन किचन का मुंह देखना पड़ा। चलो तुम यूट्यूब को बहुत ज्यादा फॉलो करती हो ना, लिव विद प्ले तुम लिखो यूट्यूब पे, बहुत सारी मेरी रेसिपी है तो उसको फॉलो करो। अरे मैं देखते देखते लॉकडाउन में आपकी बातें इतना मोटिवेट करती है, माशाल्लाह आप एंटरटेनिंग हो और आपकी जो एनर्जी है, तुम पहले ये बोल रहे हो, लोग तो यहाँ आके बोले कितना बोलती है, तो आपको मतलब मुझे पता है बोलेंगी नहीं तो कैसे चलेगा। यही बात लोगों को समझ में नहीं आती, और आपको तो समझ में आती है ना। देखिए लोग कुछ भी बोले, मैं तो आपके लिए आती हूँ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी टीम मुझसे प्यार करती है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए आती हूँ, आपको सिखाती हूँ खाना बनाना, आपके जो पसंद की गेस्ट है उसको बुलाती हूँ, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं हम सब में, और मैं अनम में अनम से बातें करती रहूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें पूछूंगी कि कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, किस चीज से वो खुश होती है। हम लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं आऊंगी रेसिपी और अनम के साथ एक सेगमेंट ब्रेक। वेलकम बैक टू लिव विद प्ले, और मैं यहाँ पर फ्राई के लिए ऑयल डालडा कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ। रोजे में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, आपके आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। डालडा कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर कढ़ाई में डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए और हम अपने इफ्तारी की जो तैयारी है वो करते रहे। अनम मेरे साथ मौजूद है और अनम से एक सेगमेंट भी हमें करना है, तो मैं जल्दी से बता दूं कि हम ड्रमस्टिक बना रहे हैं, और मैंने पहले से मैरिनेट करके रख दिया चिकन के, मैंने ये लेग पीस है मैंने वो रख दिए हैं, उसमें मसाला बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने जो घर का मसाला होता है वो ऐड किया हुआ है। इसमें मैंने लेमन जूस शामिल किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया हुआ है, तकरीबन 1 किलो के बराबर है, उसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च, बस, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं शामिल किया, बहुत लाइट से होते हैं। कोटिंग तैयार करेंगे मैं अंडा, और हम इसमें कॉर्नफ्लोर और बेकिंग मैदे से हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, उसको फ्राई करेंगे, साथ साथ मैं बनाऊंगी लबे शीरी। जी जनाब, लबे शीरी बनाऊंगी, वो होगा ऑलपट से बनेगा हमारा मजेदार सा। और अब मैं एक सेगमेंट जो है मैं अनम के साथ करने जा रही हूँ। अनम आप तो कुकिंग करती हैं, आपने मुझे बताया आप कुकिंग करती हैं, किचन में भी जाती हैं, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। कुछ मसाले किचन में जो यूज होते हैं हमारे खानों में स्पाइस, वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और आपने उसे छू के बताना है, क्योंकि रोजा है, चख नहीं सकते, तो आपने इसको छू के बताना है, सूंघ भी सकती है, बिल्कुल सूंघ भी सकती है, इतने जालिम नहीं है, थोड़े बहुत इतने ज्यादा नहीं। और स्पाइसेस की आई थिंक वो जो महक होती है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जल्दी से पट्टी बांधे, ऐसे थोड़ी कोई आपको हम दिखाएंगे, पट्टी आपके यहाँ पर बॉल में रखी हुई है, पट्टी आप बांधे अपनी आंखों पर, और मैं वो मसाले जो है वो आपके पास लेकर आ रही हूँ, और आप इसको टच करेंगी, फील करेंगी, फिर मुझे बताएंगी। अगर आपने बता दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो कितना बड़ा इनाम है आपके लिए। ठीक है, आ जाऊं मैं? जी, हो गया? जी, आई एम रेडी। हो गया, हो गया, चलो ठीक है, आप बताएं, गेस करें कौन सा इनाम होगा आपके लिए, गिफ्ट है कौन सा, गिफ्ट कौन सा हो सकता है? दुआएं आपके लिए, ये जहाज, जहाज की टिकट नहीं है, चले आ जाए, ठीक है, हो गया। हाँ भाई देखिए, लॉकडाउन चला, जहाज बंद है, वरना मैं आपको दे देती, जहाज ही दे देती पूरा, मैं आपको जो आप चाहती, जिस कंट्री का चाहती मैं आपको दे देती। इस वक्त तो जहाज की पिक्चर बना के ड्रॉ करके चले। अच्छा, अब अपना हाथ लाए अनम, मैं आपको दे रही हूँ इसमें, ये कौन सा क्या है ये बताएं, किचन का कौन सा स्पाइस है ये? पान के अंदर भी खाते हैं, अच्छा होता है, मजेदार होता है, और जीरा खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये तुम एक मिनट क्या, मैं 10 मिनट ठहरने के लिए तैयार, टाइम ड्यूरेशन हाँ बताओ बताओ बताओ, मैंने तुम्हें कौन सा रोका है, तुम बताती जाओ। दालचीनी है ये? बिल्कुल लौंग है ये? नमक हो सकता है? नहीं। लाल मिर्ची हो सकती है? नहीं। तभी तुम बताओ ना क्या हो सकता है, आप करेक्ट ऑप्शन दो, करीब करीब कौन सा दूं? देखिए ना, ये पान में तो डलता है, ये तो मुझे पक्का पक्का पता है, मीठी चीजें बनती है। हाँ बिल्कुल, बता दिया, लाओ
बिल्कुल सही थी, आप इतने जबरदस्त तरीके से ये लो इसको बताओ, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और मैंने तुम्हें चावल दे दिए हैं, अब तुम गैस करिए कौन सा चावल है, बासमती है, टूटा है, सेला है, ये कौन सा चावल है? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, अब संजीदा नहीं है ना। मैं कब संजीदा होती हूँ, कभी देखा है तुमने मुझे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चीनी ऐसी होती है? नहीं, उसके लड्डू बड़े बचपन में खाए होंगे तुमने, बहुत मजे के लड्डू होते हैं और सर्दियों में लड्डू मिलते हैं, जल्दी से बताओ ये क्या है? ये तिल। तिल, बिल्कुल सही। देखा मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे, करती हूँ ना, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल ये बताए, तीन राय है। ये ले लो, ये क्या है? ये तो बहुत मजे का है, कोफ्तों में डलता है। ये बड़ी स्मार्ट लड़की है, जाओ वैसे दिखने में भी स्मार्ट है और यहाँ से भी स्मार्ट है, बहुत जबरदस्त। आ जाओ भाई, पट्टी खोलो, मेरा जहाज गया, अब मेरा जहाज स्मार्ट है इसलिए आपको मैं भी स्मार्ट लग रही हूं, मेरा जहाज चला गया, अब तुम जीत गई, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है मेरे पास। आजो, मैं तो बताती हूँ, ऐसे थोड़ी बताऊंगी। अच्छा, मतलब इतना बड़ा गिफ्ट जो है देने वाली है? हाँ बिल्कुल, मैं इतना बड़ा गिफ्ट है वो तुम्हारा ही, तुम कहाँ से यूं करके चली गई, घूम रही हो घर में? हाँ हमारे घर में घूम रही हो। अच्छा, आ जाओ यहाँ पर, कौन सा गिफ्ट है बताओ? आई थिंक इस वक्त तो मुझे आप अगर दुआएं दे देंगी तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा। अरे दुआएं क्या, बहुत सारी दुआएं हैं, दुआएं के अलावा जो है ना ये किचन तुम्हारे हवाले, कुकिंग आज तुम करोगी, ये सब मैं करने वाली हूं। और तो क्या, लेकिन आपकी गाइडलाइन के अंडर। नहीं, मैं गिफ्ट में क्यों मैं दूं, मैंने इतनी तो तुम्हारी हेल्प कर ली, ये भी मैं तुम्हें गाइडलाइन, ये जाती है, मतलब काम आप मुझसे करवा रहे हैं, इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हें किसी ने दिया है आज तक? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं फ्राई दे सकती हूँ, जल्दी से चलो बताओ कैसे बनाओगी खाना। अच्छा, खाना कैसे बनाऊंगी? आई थिंक हम विंग्स फ्राई करेंगे, अजान का वक्त होने वाला है, अब जल्दी करो। विंग्स फ्राई करने वाले हैं ऑयल में, आपने मैरिनेट करके रखा है, और फिर और स्वीट डिश बनेगी। और आपने तो ऑलमोस्ट हर चीज प्रिपेयर्ड करके रखी, तो फिर बनाने में किस चीज की देरी है? आप मुझे गाइड करें, मैं आप साथ साथ मजा आता है ना, जब दो औरतें मिलकर काम करती हैं तो अच्छा होता है ना। जी जी, अच्छा अच्छा, दो औरतें जब किचन में मिलकर काम करती हैं तो कौन सी ज्यादा बुराई है, किसकी बुराई ज्यादा करती है, सच सच बताना। अगर तो वो शादीशुदा है तो अपने ससुराल की करेगी, कोई करेगी, अगर ससुराल बहुत अच्छा हो तो नन की करेगी। नहीं, मैंने भाई मैंने तो ना बहुत सारी यहाँ पे जब से मैं आई हूँ यहाँ पे शोज करने, तो मैंने एक बंदी से अपनी सास की बहुत तारीफें कर मैंने सुनी हुई है, वो तो बना बना के मुझे चीजें भी खिला रही होती है। अच्छा? मेरी सास ने आज ये बनाया, मैंने तो नहीं सुना सास की बुराइयां। अच्छा, मतलब ऐसा है कि आपको तो पता है दुनिया में अच्छा दोनों चीजें अच्छा, किस टॉपिक पे ज्यादा बातें हो रही है? मैदा है, मैदा में ले रही हूँ 2 टेबल। बताओ टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे ज्यादा, मेकअप पे बातें होती है, कपड़ों पे बातें होती है, जूतों पे बातें होती है, नेचर पे बातें होती है, अंडा? हाँ बताओ बताओ। फैशन पे बातें होती है, मेकअप पे बातें होती है, और आजकल ट्रेंड में क्या इन है क्या आउट है, इस पे बातें होती हैं। अच्छा, और कोई बातें नहीं होती? करंट अफेयर से बात हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप लड़कियां कहाँ करती है, लड़कियां कहाँ करती है, काम की बात थोड़ी भी होती है सब अपने प्रोफेशन को लेके। हाँ, लड़कियां थोड़ी सी होती है मतलब, लेकिन मैंने बुराइयां ज्यादा करती है। हाँ, लड़की और बुराई का तो मुझे लगता है बचपन से कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन लड़की और बुराई ना करे। और वो बोलती है कि अल्लाह बुराई नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, ऐसा भी बोलती है ना। फौरन बोल देती है बहुत सारी गिबतें करके, अल्लाह अल्लाह मैं तो गिबत करती ही नहीं हूँ, आपको पता है ना, ये मतलब ये तो मेरी आदत ही नहीं है, तो बस हो जाती है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पसंद का सिंगर कौन सा, किसके गाने ज्यादा सुनती हो? जल्दी जल्दी बताओ ना। आई थिंक राहत फतेह अली। और अगर यंगस्टर्स से पूछने तो आती, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको तुमने प्रोमोट करने से मना कर दिया? मैं नहीं कर रही आपकी प्रोडक्ट, फिर मैं प्रमोट करने से मना कर, हाँ, मना कर दिया है या कर दोगी? अच्छा, फिलहाल तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैंने मना किया हो, लेकिन मना कर सकती हूँ। आई थिंक ऐसा कुछ जो हमारे सेहत के लिए लाइक सिगरेट्स वगैरह हो गए, अगर उनका कोई ब्रांड होगा। अच्छा, तो वो उनको मना कर दोगी? अच्छा, कोई एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है मॉडलिंग? जल्दी जल्दी दोनों 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 का अपना अपना अलग मजा है, कंपेयर नहीं कर सकती। अच्छा, दोनों बहुत पसंद का वक्त कौन सा है? सुबह का वक्त तुम्हें अच्छा लगता है, रात का वक्त अच्छा लगता है, या शाम का वक्त अच्छा लगता है? सुबह बहुत पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद। जल्दी उठती हो, देर से उठती हो? नहीं, जल्दी उठना पसंद है, काम पे जाना होता है जल्दी उठती हूँ, खुद को वक्त देती हूँ। एक सवाल है, उसका सही जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करती हो? दुनिया में आई थिंक अपने पेरेंट्स से करती हूँ, लेकिन पहले अल्लाह पाक से, फिर पहले वो तो सभी करते हैं जाहिर बात है, लेकिन उससे भी पहले कॉकरोच नजर आ जाए, कॉकरोच नजर आ जाए तो क्या करती है, शोर मचाती है या मारती है चप्पल लेके झाड़ू लेकर? कॉकरोच से कौन डरता है? मैं तो नहीं नहीं, नहीं डरती है लड़कियां, डरती है, मैं इतना नहीं डरती, लेकिन डरती है लड़कियां, डरती है। अच्छा, कुछ लोग इतराती भी, अगर कोई हो तो फैशन है ना, और अकेले में तो वही चप्पलों से मार रही है, तू कहां आ गया, ऐसे होता है ना, सब पता है। अच्छा, एहसन खान
दानिश तैमूर या मुनीब भट्ट, कौन अच्छा लगता है? आई थिंक दानिश तैमूर अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता लेकिन आपसे पता नहीं है, सच बता दूं? हाँ सब आपके सच बोलना है, रोजा है इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैंने कहा आप अपने ऑप्शंस ऐसे रखे हैं, तीनों में से वैसे कोई भी पसंद नहीं है, ऑनेस्ट कोई पसंद नहीं है। अच्छा कोई भी नहीं अच्छा लगता? नहीं नहीं। चलो आप अपने पसंद का बताओ, चलो मेरी पसंद मुश्किल को आसान कर दो। हाँ बेसिकली मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है, पर्सनली तौर पे नहीं जानती, लेकिन काम के हिसाब से अगर मैं किसी का नाम ले सकती हूँ। हाँ, काम तो, काम की मैं पर्सनली हम किसको जानते हैं, काम के हिसाब से ही उसको ही जानते हैं जिस तरह काम करते हैं। आई थिंक एजाज इस्लाम। अच्छा yeah. वो अच्छा लगता है तुम्हें? किसी किसी मुल्क की नेशनलिटी मिल जाए तो कहाँ की लेना पसंद करोगी? चाइना। वहाँ जाओगी? yes, कोई है क्या? कोरोना वायरस को निकाल दिया लेकिन वैसे नहीं, एस्टैब्लिशमेंट में, डेवलपमेंट में। सही, वो तो बात है। हाँ जी। अच्छा तुम ये मुझे बताओ कि शादी कब करोगी? अब ऐसे देखो, शादी तो करनी है ना? बिल्कुल करनी। अभी नहीं बोला, अभी तो मैंने नहीं सोचा, ये वाला नहीं, कभी भी करनी है, 10 साल बाद करनी है, ये तो फैक्ट है, मैंने अभी नहीं सोचा है। आगे जब करनी है, लेकिन आई थिंक अभी मेरी एज भी नहीं है शादी की, और अभी मैं मेरे थोड़े गोल्स अलग है, मैं थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ। उसके बाद शादी इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक ने लिखी है उस वक्त हो जाएगी अपने मुकर्रर वक्त। अच्छा, घर वालों ने कोई सपोर्ट की थी जब मॉडलिंग तुमने स्टार्ट की थी? वरना तो घर वाले कहते हैं ना, कहाँ किन चक्करों में पड़ गई, ऐसा तो नहीं था कुछ? ऐसा था कि किन चक्करों में पड़ गई, लेकिन सपोर्टिव बहुत। मैं आपकी हेल्प कर दूँ? नहीं, थैंक यू। बस आप घर वाले सपोर्टिव रहे माशाल्लाह बचपन से, मतलब हर बहन भाई के मामले में, कि आपको जो भी करना है अपने मतलब प्रोफेशन के हिसाब से, करियर में जो चूज करना कर सकते हो, तो ये बड़ा सुकून। अच्छा, टीवी पे आके नखरे बढ़े हैं, नखरे कम हुए आपके? नखरे में जाती जिंदगी में आप मुझसे मिलेंगे, मेरा कोई नखरा नहीं। वो तो मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन आप जानते हैं वो जानना चाहते हैं, मैं जो सवाल है ना वो मेरे नहीं है। मैं तो माशाल्लाह आपको जानती हूँ, आपकी तारीफें भी बहुत सुनी है जी। लेकिन आप ये सारे सवाल इतने दिखे, प्यारे प्यारे लोग आपको देख रहे हैं ना, उनके सवाल आप है। नहीं, कोई नखरा नहीं है, बहुत सादी सी, हम्बल, ग्राउंडेड पर्सन। कोई आपके घर में कोई आप खाना बनाना चाहती है, गेस्ट बुलवाना चाहती है, वो दो गेस्ट को आप बुलवाना चाहती है, वो कौन से दो गेस्ट हो सकते? सिर्फ दो, ज्यादा नहीं, वो कौन से होंगे? अच्छा ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आप हमें खाने बना बना के खिलाती हैं, मैं आपको बुलाऊंगी। मैं बिजी रही, मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ रही, फिर मैं वेट करूंगी ना आपके पास कब। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा, मेरे अलावा मैं तो पक्की हूँ, मेरी तो लिस्ट में नाम आ चुका है मेरा तो। अब आप बताओ, मेरी प्रोडक्शन हाउस की मेरी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अच्छा, उसी को बुलाऊंगी? उन्हीं को बुलाऊंगी। अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मैं उनके घर पे बुलाऊं। अच्छा, कौन सी डिश बनाओगी? कोई दो डिश बता दो हमारे लिए, कौन सी बनाओगी जब बुला ही रही हो तो? क्या बनाओगी? देसी बनाऊंगी, बिकॉज जितना मैं जानती हूँ शायद मैं देसी, वैसे खाना अच्छा, देसी अच्छा भी होता है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे लबेशीरी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने दूध गर्म करके रख दिया था, ऑल पर का दूध रख दिया था, उसको ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना अच्छा होता है, गाढ़ा होता है। कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करूंगी, इसको डिजोल्व करूंगी, और इसके बाद फटाफट ये बनने वाली ट्राई करने वाली हूँ। साथ कितना आसान था, कितना आसान है, बस एक साइड से पक जाए, फिर इसको पलटेंगे, दूसरी तरफ हम इसको पलटेंगे, और मैं इसके अंदर शुगर डाल देती हूँ, और फिर मैं आप कस्टर्ड भी, मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल दूंगी, इसका कस्टर्ड बनाएंगे। वरना हम क्या करते हैं, कस्टर्ड पाउडर से बनाते हैं। अच्छा, मैं इसमें, मुझे तो पता है 4 टेबल स्पून ऐड कर, 4 टेबल स्पून नहीं 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं कंडेंस मिल्क भी इसके अंदर शामिल करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूंगी, इसका एक कस्टर्ड बना दूंगी, गाढ़ा सा थिक सा इसका एक मैं बैटर बना दूंगी, उसके बाद जो सारी चीजें मैं सेट करूंगी। तो आप जो है ब्रेक पे जाइए, ब्रेक पे आने के बाद मैं सारी चीजें आपको फाइनल करके बताऊंगी। और अना मेरे साथ मौजूद है, जा नहीं रही तो तार करके जाएंगी हमारे साथ। जाइए ब्रेक पे, थोड़ी सी तैयारी कर ले किचन में, जब तक मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। ब्रेक, वेलकम बैक टू लिव विद प्ले। मेरे साथ मौजूद हैं अनम, और मैं यहाँ पर ड्रमस्टिक बना रही हूँ, देखिए कितने अच्छे इसमें क्रम्स आए हुए हैं, और ये हमारा बस पकने वाला है थोड़ी ही देर में। साथ ही साथ लबेशीरी जो है वो भी मैं बना रही हूँ, और उसमें जो जो चीजें हैं मुझे चाहिए मैं आपको एक दफा बता देती हूँ, और इसको हम डिश आउट करेंगे थोड़ी देर में, बस एक तरफ से पक जाए, दोनों तरफ से पक जाए, हमारे तैयार होने वाले हैं। एक साइड से तो पक चुके हैं, करते हैं ना कुछ गोल्डन ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन बस थोड़े से हो जाओ। यहाँ पर दूध जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था, और इसको मैं अनम इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ, आप इसको थोड़ा हिलाते जाए, ताकि मैं दूसरे अज्जा जो है वो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ क्या क्या हमने इसके अंदर चाहिए। लबेशीरी के लिए आपने ये मल्टी कलर की जो हमारे पास वामसली है, सिवैया है, वो आपने ले लेनी है, आपको इजिली मिल जाती है।
बॉईल कर ले पानी में इसको, आप गर्म पानी करें उसके अंदर ऐड करें, 5-7 मिनट इसको रखेंगे तो ये बॉईल हो जाएगी। उसके साथ ही मैंने कंडेंस मिल्क इसके अंदर ले लिया है, नहीं मिलता कोई बात नहीं इसको छोड़ दे, लेकिन दबेशीरे में ये होता है। जेली ले ली है दो टाइप की मैंने, इसमें ग्रीन कलर एंड रेड कलर, फ्लेवर भी अलग अलग होता है इसके अंदर। एप्पल्स ले लिए हैं और टिन का मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, नट्स हैं कुछ, और ऑलपर की फ्रेश क्रीम मेरे पास है। तो हम इसको क्या करेंगे, सारी चीजों को असेंबल करेंगे, सारी चीजों को मिक्स करेंगे। जब हमारा कस्टर्ड बन जाएगा तो हम सारी चीजों को मिक्स करके इसको अच्छा सा हमने गार्निश करना है, प्रेजेंटेशन करनी है अच्छी सी, और इसको चिल करके ठंडा करके अभी आप रख दें। क्योंकि हम जब क्या करते हैं, जो डिजर्ट्स होते हैं हम उसको कब खाते हैं, अफ्तारी के बाद खाते हैं, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा तो बड़ा मजा देगा। तो बस ये थोड़ी देर में लगता है, बिना ठंडे ठंडे नहीं अच्छे लगते, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करना बहुत जरूरी है। आप इसको कर लें, और मैं अपने जो विंग्स है उसको भी देखती रहती हूँ कि क्या हुआ, ये बना नहीं बना। तो बस आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी सी देर में, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे सारे फ्रूट्स। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि बहुत अभी तो टाइम हमारे पास तो होता नहीं है, तो मैं गरम गरम ही इसके अंदर ऐड करूंगी। लेकिन आप जब भी इसको बनाएं लबी शीरी को, तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फ्रूट रखें। अच्छा ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, ये सवाल करते हैं, आप भी ये सवाल कर रहे होंगे कि हम जब कस्टर्ड में या इस तरह का हम बैटर बनाते हैं लबी शीरी का, उसमें क्या होता है कि फ्रूट्स ऐड करते तो फ्रूट्स काले हो जाते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है ना आपका, सबका क्वेश्चन होता है। तो मैं इनको एक टिप दे दूं कि आप क्या करें, जब भी आप कस्टर्ड बनाएं या आप इस तरह का आपने थिक सा बैटर बनाना है लबी शीरी के लिए, तो वो ठंडा हो जाए उसके बाद फ्रूट को आप शामिल करेंगे, तो आपके फ्रूट कभी भी काले नहीं होंगे। गर्म में आप ऐड करेंगे तो आपके फ्रूट्स जो है वो सब काले हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए। जा रही हूं और अब मैं घर में ठंडा कर दें उसको आप, उसके बाद ऐड करें, और फिर इसको अच्छी तरह से आप इसको प्लेटर में इसको गार्निश करें, इसको सेट करें, लेयर्स लगाएं जिस तरह से आप चाहें। और लबी शीरे में जो आप चाहते हैं, नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सारे के सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं अपने ड्रम स्टिक को मैं निकाल लेती हूँ, पहले मैं टिश्यू पेपर में निकालती हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, हमने बनाया था डालडा कुकिंग ऑयल से, और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी, चूल्हा पे बंद कर लेती हूँ। अच्छा, जितना आपने गोल्डन कलर इसको देना है आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं होता, अफ्तार का वक्त होने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर देती हूँ। बहुत मजेदार ये ड्रम स्टिक बनते हैं। और अनम, आपके पास आपके ऊपर कुछ इल्जाम भी है, हमने तारीफें तो बड़ी आपकी कर ली, लेकिन इल्जाम आपको नहीं बताया। आपको आप कह रही थी ना, नहीं मुझसे कोई भी नहीं जलता, मुझसे कुछ भी नहीं होता, आपके ऊपर इल्जाम हैं। इल्जाम आप पे, जी जी, एक इल्जाम आप पे ये कि आप किसी में घुलती मिलती नहीं, बड़े एटीट्यूड दिखाती हैं। या अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं सच है, ये झूठ है, क्या है ये? मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि मैं काम करती हूँ, काम मुझे लगता है हम काम करने के लिए सेट पे आ रहे हैं। सही बात है, घुलती मिलती मैं जरूर हूँ, लेकिन जब मेरे पास वक्त होता है, लेकिन लंच ब्रेक होता है कुछ ऐसा उसमें, तो जी, उसमें जब हम बताएं, पूरा पूरा टीम हमारे साथ बैठ के खाना खा रही होती है या कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है, तो बिल्कुल उसमें घुलती मिलती हूँ। अच्छा, लेकिन ज्यादा फोकस जो मेरा होता है काम पे होता है, बीच में अगर कोई ब्रेक हो, रेस्ट हो, तो बिल्कुल हाँ, घुलना मिलना आई थिंक जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जेलिंग नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये इल्जाम गलत है क्या? हाँ, काइंड ऑफ, कैसे? अच्छा अच्छा, लोग आपकी, आप घुलती मिलती नहीं है तो इसको लोग कह देते हैं कि ये बहुत प्राउड इसको जी जी मगरूर कह देते हैं, मगरूर कह देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, गलत चीज़ है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ, और ये हमारा लबी शीरी है जब तक ये गाढ़ा हो रहा है। मैं माशाल्लाह आपके शोज देखती थी, आप इतनी जबरदस्त रोजाना कोई नई नई रेसिपी बना रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आप सीखेंगी ना, यूट्यूब पे तो आप देखती रहती हैं, लिविड प्ले को आपने बिल्कुल देखना है। मैं यूट्यूब पे आपकी को देख रही होती हूं। अच्छा, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, औरों को भी देख लिया करें, मुझे लिविड प्ले को ज्यादा देखा करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी होती है। कितने मैं पास पास इसको कर रही हूँ, उसको मैं हटा देती हूँ, उसको थोड़ा सा मैं देखिए ना, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इतना आपका कस्टर्ड जब बन जाए तो बस आप इतना ही रखना है, क्योंकि इतना ज्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि फिर ये सेट होगा तो और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फिर आपकी लबी शीरी बिल्कुल जम जाएगी। अच्छा, इस बाउल में मैंने इसको लेना है और मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पर इसके अंदर निकालूंगी और मैं सारी चीजें जल्दी से गार्निश करना स्टार्ट कर दूंगी। अफ्तार का जब वक्त करीब होता है ना, तो फिर बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मैं इसमें ये लेकर, क्योंकि और भी चीजें हमने ऐड करनी है, तो इसमें मैंने कस्टर्ड जो है वो ज्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें इसके साथ शामिल करनी है। मैंने आपको बताया कि कलरफुल जो सेवैया है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, आप मुझे एक फिर भी दे देंगी? जी जी, स्पीड में देखते हैं। तार का जो वक्त होता है ना, वो ऐसा ही वक्त होता है कि घर में जो खवातीन, आप भी बनाती है खाना, आपको पता होगा कि किस तरह से फास्ट फास्ट करना होता है, और आप जब बनाए इस मरहले पे आके, इस स्टेप पे आके, तो आप थोड़ा ठंडा कर लेना है, ठीक है? ठंडा करने के बाद बनाए। मेरे हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, इसलिए मैं इसमें फ्रूट्स जो है
यही हो रहा होता है, मेरे किचन में भी यही काम हो रहा होता है, गिर रहा होता है, और मेरी अम्मा डांट रही होती सुकून से काम करो, पहले क्यों नहीं चली जाती किचन में, तो मैं कहती हूँ हाँ ना आ तो गई ना, हो तो गया ना, पहले जितनी सारी चीजें होती है एंड में सारी चीजें होती है, इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करके, और हमने क्या करना है, जेली मेरे पास रखी हुई है बड़ी, इसको मैं गार्निश करूंगी, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। पर लबीशीरी का यही तो अपना एक मजा है ना, इतना कलरफुल सा, और बच्चे तो इतने खुश होते हैं जब लबीशीरी बनती है, कलर से देखते रहते हैं, और जेली के लिए लड़ाइयाँ हो रही होती है, जेली के लिए लड़ाइयाँ हो रही होती है, और यहाँ पर बादाम पिस्ते, अच्छा आप वो लेके जाए, वो हमारी चेयर पे आप लेके जाए, मैं आ रही हूँ, ठीक है। ड्रमस्टिक तैयार है, हमारा लबीशीरी तैयार है, जबरदस्त था, देखिए फास्ट काम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर काम में देर लगेगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं अपने ग्लास उतारती हूँ क्योंकि आराम से अभी हमने बातें करनी है, और ये लबीशीरी हमारा जबरदस्त सा तैयार हो गया, जो कि ऑल पर में हमने बनाया था, ऑल पर का दूध, ऑल पर की फ्रेश क्रीम, और ड्रमस्टिक जो हमने बनाए थे वो मैंने बनाए थे डालडा कुकिंग ऑयल में। अनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आई, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मैंने गप्पे लगाए आपसे, बातें की कुकिंग की, और लास्ट में कोई पैगाम लोगों के लिए आपकी मोहब्बत का। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ आज जब शो में आई हूँ, जब मैं आपके शोज देख रही थी, तो जितना मैं बोलती हूँ आप भी उतना ही बोलती हैं, तो मुझे आपसे मिलकर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सारा वक्त, बड़े मजे की आपने चीजें भी बनाई हैं, खूबसूरत लग रही हैं बहुत अच्छा। और पैगाम एक्चुअली मैं ये देना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से, तो एक बात है जो मैंने फील की है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास ये चीज करने का वक्त नहीं है, ये चीज करने का वक्त नहीं, मैं कह रही हूँ क्वारंटीन जो है, लॉकडाउन जो है, ये ब्लेसिंग है, इसको यूज करें पॉजिटिव वे में। वो जो काम आप कहते हैं हम नहीं कर पा रहे थे, वो सब काम करें, एक्सप्लोर करें। मतलब अब मैं आपको अपनी पर्सनल रूटीन बताऊँ तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, बुक रीडिंग कर रही हूँ, आपको वक्त दे रही हूँ, बिल्कुल वक्त दे रही हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो माशाल्लाह से ये मतलब क्वारंटीन में भी बहुत सारी चीजें आप करके उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वजह कि आप नेगेटिव, मुझे लगता है नजरिए का खेल है, जैसा देखेंगे वैसा ही वैसे आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया ना, आपके साथ बहुत मजा आया, और आपको भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने लबीशीरी बनाई थी ऑलपर में, ऑलपर का दूध बहुत खालिश होता है, जबरदस्त होता है, कितना जल्दी बन गया, इसको काटने की जरूरत भी नहीं थी, फ्रेश क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया था इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली है, आपने देखी ना, ड्राई फ्रूट डाले, जेली डाली है, और मैंने यहाँ पे ड्रमस्टिक बनाए हुए, ड्रमस्टिक में फ्राई किससे किए थे मैंने, मैंने किए थे डालडा कुकिंग ऑयल से, जिसकी गुजाइयत और उसका जायका बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है, जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक हमें दीजिएगा, और आपकी रेसिपी मुझे मिलती रहती है। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत 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 शुक्रिया, अफ्तार की तैयारी करें, मैं भी तैयारी करती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे प्यार, बहुत सारी मोहब्बत हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। चिकन ड्रमस्टिक, चिकन लेग पीस 4 अदद, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, मैदा 4 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, फ्राई के लिए ऑयल।